अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह digiskills.pk पे के बैच 7 में इनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक बता रहा हूँ इसी digiskills का, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन अप के क्लिक करता हूँ, ट्रेनिंग साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली साइन अप करेंगे। यहाँ पे हम मैं डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देते, जैसे मैं फुल नेम अपना इंटर करता हूँ और लास्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई एक ईमेल देते हैं जो कि आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टेम्प्रेरी ईमेल यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई ना कोई पासवर्ड आप इसका एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक आसान सा पासवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो अल्फ़ा फॉर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम आई एम नॉट रिपोर्ट पे हम यहाँ सिर्फ कैप्चा को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सारे कैप्चा को हम फिल करते हैं, ये सेकेंडरी कैप्चा आ चुका है तो इसको भी हम फिल करते हैं। तो इसके वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली साइन अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन अकाउंट कंफर्मेशन, तो यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे जो ईमेल है उस पर ये एक लिंक सेंड करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस ईमेल से आपको एक लिंक आता है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद digiskill के अकाउंट एक्टिवेट योर अकाउंट के लिए, या अकाउंट वेरिफिकेशन हम कह सकते हैं उसके लिए, हमारे पास एक लिंक आता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम साइन अप नाउ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सिंपली लॉगिन करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ईमेल देंगे, और यहाँ पे हमने जो अपने उस वहाँ पे हमने साइन अप करते हुए जो पासवर्ड रखा था, वो यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, जो कि था हमारे पास अल्फ़ा फॉर बीटा, ठीक है। तो हम कीप मी साइन इन पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ कीप मी लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक माय प्रोफाइल का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमने CNIC, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईयर। तो मैं इसको प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैं अपनी कंट्री को कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, देन सिटी। यहाँ पे आपका अपनी करंट सिटी या जो भी मतलब सिटी, उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी एड्रेस है अपना, पोस्टल एड्रेस, वो यहाँ पे मैं अपना फिलअप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यहाँ पे मैं ये थोड़ी सी जो इनकी वेबसाइट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, हम उनको फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये अपने लिहाज से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ये मैंने अपने लिहाज से फ़िलअप किए हैं, अगर आप इसको मतलब अपने हिसाब से फ़िलअप करेंगे, जैसा कि अगर आप कंप्यूटर का बेस्ट नॉलेज हासिल नहीं आपके पास, तो आप एवरेज कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, लैंग्वेज का इसी लिहाज से कर सकते हैं। तो अपने लिहाज से करो। यहाँ पर फिर आप यहाँ पर ओके भी क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो वो है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर है, और पिक्चर का एक इशू है ये कि जो पिक्चर का साइज़ है वो 150 KB होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा साइज़ का होगा तो यहाँ पे वो इमेज टू बिग टू अपलोड हो जाएगी, मतलब वो इमेज यहाँ पे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे सिंपली मैं उस इमेज को 150 KB तक का उस इमेज को अपना एडिट क्रॉप कर लेता हूँ, ताकि वो जो इमेज का साइज़ है वो 150 हो जाए और वो यहाँ पे हम इजीली अपलोड कर सकें। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने अपनी इमेज को भी अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अकाउंट मोबाइल वेरिफिकेशन है, जो कि आप लाजमी तौर पे करें, लेकिन मैं इसको बाद में मोबाइल को वेरीफाई कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोर्सेज हैं उसको हम इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं इनरोल। तो यहाँ पे मैं इनरोल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ बैच 7 के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको उस कोर्स के जो भी कोर्स है उसके रिलेटिव आपको एक वीडियो और इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है कि आप इस कोर्स के लिए आपको क्या क्या एक्सपीरियंस और कितने डेज़ का होगा, या कितने जो भी आपके उस कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह की वीडियोज़ को भी ओपन करके उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ये वीडियोस आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप उस कोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे जिन जिन कोर्सेज को आप करना चाहते हैं। दो कोर्सेज को आप एट अ टाइम कर सकते हैं और ओके को क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको पहला कोर्स फ्रीलांसिंग का लाजमी करना होगा, उसके बाद आप कोई और कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग और उसके बाद एक और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उन दो कोर्सेज में इनरोल हो चुका हूँ, ठीक है। तो वो जो एक डेट गिवन है उसके बाद मेरा उन वो कोर्सेज की मेरे पास जो वीडियोस हैं या जो उनका कंटेंट है वो मेरे पास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक पर्टिकुलर डेट गिवन है मई 22 जो एक डेट है, उस डेट से पहले पहले मैं उन कोर्सेज को चेंज भी कर सकता हूँ। किस तरह मैं रोल पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अगर मेरा दिल करता है कि मैं उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा और भी कोर्स ज्वाइन करूँ तो मैं यहाँ पे उस कोर्सेज को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड, ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन डिस्कशन, इस तरह के काफ़ी तरह के हमारे पास गिवन होते हैं जिनको अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हम कलर वगैरह मॉडिफाई जो भी होता है और ये इस वेबसाइट के लिहाज से जो भी कोर्सेज वगैरह उनको मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे एक पास अकाउंट है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो जिन जैसा कि मैं बैच 5 से इस digiskills.pk में मैं इनरोल था। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैच 5 का मेरा कोर्स फ्रीलांसिंग का था। यहाँ जो मेरा करंट बैच का जो कोर्सेज हैं मैं इनको यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर न्यू टैब में ओपन नहीं हुए, तो मैं यहाँ से आपको फर्स्ट मतलब अपने बैच की किस तरह हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आता है। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की एक वीडियो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं टॉपिक और उसके लिहाज के, और यहाँ पे ये उसकी वीडियो है। तो आप इस प्रॉपर वीडियो को वॉच करने के बाद उसके आप यहाँ पर डिस्कशन का टैब है, वहाँ से आप डिस्कशन भी कर सकते हैं क्यों अपने जो रेलिवेंट कोर्स का जो टीचर है उनके साथ। आप Q&A सेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन उनसे पूछ के और उनका आपको फीडबैक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं जो इससे आपको पता चल जाती है कि आपके लिए कौन सा एक्सरसाइजेज ओपन हो चुकी हैं, आपके क्विजेज, आपकी असाइनमेंट्स वगैरह और आपकी जो वीडियोस कंटेंट किस वीक कंटेंट लाइव हो चुका हो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कि आपने किस किस तरह करके एक्सरसाइजेज, क्योंकि मैं इसको इतना काम में नहीं ले सका इस मरतबा, तो यहाँ पे ये एक्सपायर हो चुकी है मेरी कुछ सबमिशन के लिए। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका लास्ट वीक होता है तब आपकी तमाम तरह की एक्सरसाइजेज और जो क्विजेज होते हैं वो ओपन कर दिए जाए, रीओपन कर दिए जाते हैं। तो जो आपने फिल नहीं किए होते तो वो आज दोबारा आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कि ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने कुछ क्विजेज को भी सबमिशन यहाँ पे की हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अनडिक्लेयर्ड हैं और यहाँ पे डिफरेंट तरह की डेट्स गिवन है कि कब स्टार्ट हुए कब एंड हुए। और उसके बाद यहाँ पे माय रिजल्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो फ्रीलांसिंग का था उसकी परसेंटेज, क्योंकि आपका जो कोर्सेज की परसेंटेज होती है वो आपको कम से कम 50% करनी होती है, 50% से कम अगर आपकी परसेंटेज होगी तो आपको उस कोर्स के रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे फ्रीलांसिंग की तरफ से एक digiskills.pk की तरफ से फ्रीलांसिंग का एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो यहाँ पे ये आप प्रोग्रेस टाइम लाइन अपने उस करंट को जो करंट बैच के जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी जो करंट हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरी स्टैटिस्टिक्स दिखाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। It's hard to breathe, but that's alright.